सीधे आपको महाराष्ट्र के अचलपुर लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको? हिंदुत्व जागरण के कार्य को एक नई दिशा दी पूर्व सांसद श्रीमती नवनीत राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार अचलपुर श्री प्रवीण जी ताड़े, विधानसभा मेलघाट के उम्मीदवार श्री केवल राम जी काले, मोर्सी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्री चंदो उर्फ उमेश यवलकर जी, और आज के चुनावी सभा में उपस्थित महायुति गठबंधन के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, जगत जननी मां भगवती अंबा देवी और आनंदेश्वर महादेव की इस कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र की भूमि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा की भूमि है। यह वही भूमि है जिसने जन जन के मन में स्वराज्य के भाव को जगाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा पुरोधा जिस धरती ने दिया है। गणनायक में आस्था जगाकर लोकनायक कैसे बनते हैं, यह भी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी महाराष्ट्र की धरती से उद्घोष करके देश को दिया था। सामाजिक न्याय की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, साहूजी महाराज इसी धरती की देन है। एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कैसे करना है, पेशवा बाजीराव ने अटक से कटक तक पूरे भारत को ये करके दिखाया है। किसी महान क्रांति को स्वाधीनता का एक अभियान बता करके प्रथम स्वातंत्र समर का रूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वीर सावरकर ने इसी धरती से किया था। और पूरे देश में एक विधान हो, सब समान हो, यह भाव जागृत करने का कार्य भी इसी पावन धरा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। भारत के अंदर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नए भारत को, यह भाव भी आज के भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे भारत को दिया है। और हिंदू संगठन का कार्य कैसे होना चाहिए, इसी महाराष्ट्र की धरती में नागपुर की धरती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन भी दिया है। और इसीलिए महाराष्ट्र भारत की प्रेरणा स्थली है, और इसलिए इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं,
महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। हरियाणा के बारे में लोग क्या बोलते थे, कहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व का इंडी गठबंधन जीत जाएगा। परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी दो तिहाई बहुमत से विजयी बनकर के वहां सरकार बना चुकी है। महाराष्ट्र के बारे में और झारखंड के बारे में आज सभी लोग अब कहने लग गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। जिसने भी अमरावती के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा और उसके बाद घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, वह सपने में भी फिर से उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। सपने में भी उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। बहनों और भाइयों, ये दो बड़े गठबंधन के बीच में ये चुनावी समर है। एक ओर मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है, और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पेन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महा अनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सबके लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। वह महाराष्ट्र प्रयोगशाला बार बार नहीं बनेगा। एक गलती 1946 में देश ने कांग्रेस के हाथों की है, जब अपने स्वार्थ के लिए मुस्लिम लीग जैसे संगठनों के साथ समझौता करके इस देश का विभाजन कांग्रेस ने करवाया था। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार तीन दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति पहले है, और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी, और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था उनको लगा था कि अब भारत के क्रांतिकारियों के सामने अधिक दिनों तक वह नहीं टिक पाएगा, तो उसने